एक्सक्यूज देख रही हो वहां पे? अभी फिर से जाके प्रज्ञा के साथ खड़ा हो गया और तुम हो कि तुम कुछ कर ही नहीं रही। क्या करूं, जाके प्रज्ञा को उड़ा दूं जैसे तुमने पूरब को उड़ाया था उस टेम्पू से? देखो अलिया, बार बार पूरब के नाम से ताने मारना बंद करो। अनबिलीवेबल यू आर। तुम किसी को जान से मार सकती हो और मैं तुम्हें ताने भी मार नहीं सकती। मैंने उसे जान से नहीं मारा है, डॉक्टर ने कहा ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड तनु उसकी किस्मत सही थी जो वो बच गया, वरना तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। देखो अलिया, मुझे बार बार तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे सिर्फ हमारे रास्ते से डर रही थी। पूरब के साथ मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। तो क्या चाहती हो, क्या चाहती हो कि तुम्हें कोई अवार्ड दूं, कोई तोहफा दूं? मैं नहीं अवार्ड चाहती हूं और नहीं तोहफा चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम प्रज्ञा के साथ जाके कुछ करो। यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, जो तुमने किया उसके बाद मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना, लेकिन हाँ फिर भी तुम्हें एक सजेशन देकर जाती हूँ। प्रज्ञा जो कुछ भी करे उसे करने दो, फॉर गॉड्स सेक अपना दिमाग मत लगाओ और कोई बेवकूफी मत करना। 5 दिन बचे हैं शादी में, बचे कुछ 5 दिन ढंग से काट लो, वरना पता चला कि भाई के साथ तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। एनीहो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, आई सी यू लेटर। समझ में नहीं आता ये मेरी दोस्त है या दुश्मन। एक बार शादी हो जाए सबसे पहले इसमें। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों और एक दूसरे के साथ खुश भी कितने हैं। पर पता नहीं ये अभी अपने दिल की बात कब कहेगा प्रज्ञा को, कब कहेगा? दीदी अभी प्रज्ञा से दिल की बात कहे या ना कहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज अभी ना प्रज्ञा को एक सरप्राइज देगा। कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। हाँ तो बताना। ये अगर यहाँ सबके सामने बोलूंगी तो सबको पता चल जाएगा, खास करके प्रज्ञा को। आप इधर आइए। और प्रज्ञा को इस सरप्राइज के बारे में पता है? दीदी अगर प्रज्ञा को पता चलेगा तो सरप्राइज का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा ना। क्या क्या नहीं पता है मुझे? कुछ भी तो नहीं। आप एक दूसरे को क्या देख रही है? मुझे बताइए क्या बात कर रहे थे आप लोग? सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज इतने क्या? तो मैंने सवाल भी नहीं पूछे जितने आप जवाब दे रही, मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता है। अरे प्रज्ञा सच में हमें कुछ नहीं पता है। हाँ आप दोनों मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे बताइए क्या सरप्राइज है? ये भी आती है। कौन किसे सरप्राइज दे रहा है बताइए ना दासी, कौन किसे सरप्राइज दे रहा है? तेरी शादी है तो सरप्राइज भी तुझे ही मिलेगा ना। और मुझे सरप्राइज दे कौन रहा है? ये तो तुझे ही गैस करना है ना। आई नो, अभी के अलावा और कौन हो सकता है? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप?
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी